Good morning, everyone. I welcome all class 3 to this class of English, and I am Diksha Singh, your English teacher, and I am here to teach you chapter 2 from your grammar portion, that is vowels and consonants. And starting with vowels and consonants, usse pehle main start karun, main aapko bata rahi hu ki vowels and consonants important kyun hai. हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 देयर आर 26 लेटर्स ओके. अब उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक है वावल और एक है कॉन्सोनेंट. वावल है ए ई आई ओ यू. 26 अल्फाबेट्स में से 5 अल्फाबेट्स को निकाल दिया गया है और सिर्फ कॉन्सोनेंट्स बच गए हैं. कॉन्सोनेंट्स के बेस पे आप सिर्फ वर्ड्स नहीं बना सकते. वावल्स इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वावल्स के सहारे आप कोई वर्ड बहुत प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हो गया सी और टी. अब इसको आप प्रोनाउंस करें कुछ, ये सी टी आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें आप एक वावल डाल देते हैं, अगर आप सी और टी के बीच में ए डाल देते हैं तो ये क्या बन जाता है, कैट. सो देयर इज अ वावल ए. ए यहाँ पे वावल है तो ये वावल की वजह से आप ये वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं. ये वावल की वजह से आपका जो वर्ड है वो वर्ड बना है. अगर वावल नहीं होता है तो आप वर्ड ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं. सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, टर्न टू पेज नंबर 8 एंड वी विल स्टार्ट विद वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ओके, जैसे मैंने बताया देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ देम are put in the following categories. There are 3 categories: vowel, alphabets and consonants. मैंने बताया vowels के बारे में, 26 letters में आपका 5 vowels को अलग कर दिया गया है, ठीक है? वो है vowel क्या है? A, E, I, O and U. Alright? Now, alphabets. Alphabets है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. ये आपने जूनियर सेक्शन से पढ़ा है, ये आपका पूरा अल्फाबेट हो गया. अब वावल्स को 26 लेटर्स में से आप वावल्स को 5 वावल्स को आप निकाल देते हैं, उसमें क्या बच जाता है? कॉन्सोनेंट्स. वो कॉन्सोनेंट्स है ये. कॉन्सोनेंट्स क्या है? बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. ये आपके 21 लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट्स है. Always remember A, E, I, O, U are very important. They are vowels and 26 में से 5 जो निकल के वावल से वो वावल से, और ये जो 26 में से जो 5 निकाल के 21 बच गए हैं वो consonants हैं, ठीक है? So now we will practice how do we use vowels. क्योंकि vowels आप practically use नहीं करेंगे तो आप ना उसका importance समझ पाएंगे ना आप उसको use कर पाएंगे practically. तो यहाँ पे एक्सरसाइज को असेसमेंट आपको दिया गया है. आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका है इसमें से आपको वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड में से आपको कितने वावल्स है उस वर्ड में, उस पर्टिकुलर वर्ड में, एक विशेष वर्ड में कितने वावल्स है आपको वो निकालना है, ठीक है? द वर्ड ऑरेंज हैज डैश वावल्स. अब इस ऑरेंज वर्ड में कितने वावल्स है देखते हैं. एक तो ओ हो गया 1, ए हो गया 2 and E हो गया 3. So there are 3 vowels. Write down 3 vowels and यहाँ पे 3 के बगल में उनको tick कर देना है, okay? It's very simple. Number 2, the word doll has dash consonants. अब यहाँ पे उनको consonants गिनना है, ठीक है? Doll word में ये जो doll है, doll में कितने consonants हैं? Vowels नहीं है, vowels को गिनना ही नहीं है. जो 21 alphabets है उनमें से कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं ये डॉल वर्ड में वो ढूंढना है. तो आपको जब कॉन्सोनेंट्स निकालना है किसी वर्ड में से तो आप बस क्या करना, जो वर्ड है उसमें से वावल को क्रॉस कर देना और जितने भी उस वर्ड में जितने भी वावल्स हैं उसको क्रॉस कर देना, ठीक है? एंड जो बच जाएंगे वो आपके कॉन्सोनेंट्स हैं. तो ये डी एंड एल एल, क्योंकि वो तो आपका वावल में आ गया तो आपको वावल तो निकालना नहीं है, इसीलिए डी एल एल ये आपके 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो यू अगेन हैव टू राइट हियर 3, यहाँ से फिर से 3 लिख दीजिए और यहाँ पे आप टिक कर दीजिए. ऑलराइट, वेरी सिंपल. नाउ कमिंग टू नंबर 3,
alphabets. There are कितने alphabets हैं English language में? There are 26 alphabets. तो यहाँ पे आप 26 लिखें और 26 के बगल में आपको टिक कर देना है. अब ये last, which vowel is needed to make a new word in? ये तीन आपको यहाँ पे word दिए गए हैं. इन तीन वर्ड में से कुछ अल्फाबेट्स हैं जो वावल्स हैं, वो वावल्स यहाँ पे मिसिंग हैं. जो मिसिंग वावल्स हैं आपको यहाँ पे प्लेस करना है और उसको एक फुल वर्ड में ट्रांसफर करना है. ओके, नाउ यहाँ पे बी डैश एल एल. अब इसे आप कौन सा वावल डालेंगे जो आपको ये पूरा वर्ड बनेगा? यहाँ पे चलिए डाल देते हैं यू, तो ये हो गया बुल. ठीक है, एंड यहाँ पे नंबर टू में एम डैश एन, एम और एन के बीच में अगर आप ए डाल देते हैं तो वो एन हो जाता है. ओके, नाउ यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आई डाल देना है तो ये क्या हो जाएगा, विल हो जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आप यहाँ पे हट बना देंगे,
वावल की वजह से आप ये जो है, जैसे मैंने बोला कि वावल के मिसिंग पे वावल अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप वावल के बिना आप वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं। जो एक साउंड होता है वावल की वजह से वो साउंड आप नहीं ला पाते हैं। इसीलिए प्रोनाउंसिएशन, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, एक वर्ड का प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के लिए आपका वावल होना बहुत जरूरी है। एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे आपने हर एक मिसिंग वर्ड में जो भी मिसिंग अल्फाबेट था वो आपने डाला और आपने वर्ड कंप्लीट किया, तो आपने वावल का एक रूल जो है वो भी कंप्लीट किया। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वावल मींस। कमिंग टू अनदर पेज, पेज नंबर 10, टर्न ओवर टू पेज नंबर 10। डबल एल के बीच में आप ओ डाल देंगे तो डॉल हो जाएगा। ओके, नाउ ये पिक्चर
एंड यहाँ पे कप है, कप में आप यू डाल दीजिए और बस में आप यू डाल दीजिए, फिर यू डाल दीजिए, तो ये आपका यू यू वाला जो भी वर्ड है, जो भी वर्ड में यू एज अ वाउल प्रेजेंट होता है, वो सारे आपके सामने एज एन एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया गया है. सो नाउ कमिंग टू, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास. बिफोर वी एंड द क्लास आई एम गिविंग यू अ होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क. यहाँ पे क्या करना है आपको, जस्ट रीड, write two words with one vowel and write two words with two vowels, then make sentences with these words. आपको क्या करना है कि कोई भी words, ठीक है, एक word दीजिए और एक word में कम से कम एक vowel दीजिए और वो vowel, एक vowel वाला word आप लिखिए और फिर उसका भी sentence बनाइए, okay? अब दूसरे में क्या करना है, पहले आप एक vowel वाला word लेके उसका sentence बना लेंगे तो दूसरे भाग में क्या करना है, दो वर्ड लिखिए और दोनों वर्ड में दो वावल्स होने चाहिए और उसके भी सेंटेंस बना देना है आपको, ओके? सो दिस इज द क्लास फॉर टुडे. आई होप यू लर्न समथिंग. आपको पता चला कि वावल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, वावल्स के इंपॉर्टेंस क्या है. अंटिल देन वी विल कंटिन्यू टुमारो, विल मीट टुमारो. अंटिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे एट होम. गुड बाय, टेक केयर.